अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन, 24 ज़िलहिज्जा की तारीख शुरू हो चुकी है, 23 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उनवान है, गाज़ीपुर में दस्ती बम के साथ 6 लोग गिरफ्तार। खबर थोड़ी तफसील से सुन लें। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में एसटीएफ ने 2 कारामद हैंड ग्रेनेड दस्ती बम के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ ने गाज़ीपुर के करंडा थाना इलाके से ये गिरफ्तारियां की हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पूर्वांचल के कुछ बदनाम जमाना माफिया को इन दस्ती बमों को बेचने के फिराक में थे, बेचने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए मुलजिमों के नाम विनय सिंह उर्फ विक्की, महेश राजभर, नवीन पासवान, अभिषेक सिंह, रोहन राजभर, मनीष सिंह हैं। सभी ये लोग गाज़ीपुर के रहने वाले हैं। इनमें पूछताछ के दौरान महेश राजभर ने बताया कि मेरे गांव के रहने वाले अरविंद रोहित और बिरजभान चेन्नई में मद्रास में काम करते हैं, जो इन हैंड ग्रेनेड को वहां से लेकर आए थे। मुलसिम ने बताया कि इन लोगों ने हमें दिया था और कहा था कि किसी मशहूर माफिया को बेच दो ताकि अच्छी कीमत आ सके। हम इसी फिराक में थे कि हम पकड़े गए हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन मुलजिमों के मकानात कब तक गिराती है या इनको यूं ही छोड़ देती है।